दोस्तों अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस की जबरदस्त सक्सेस ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। दोस्तों इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और इसके हिंदी डब वर्जन ने, ओनली हिंदी डब वर्जन ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। इससे पहले बाहुबली ही एक ऐसी फिल्म थी जिसने इससे ज्यादा हिंदी बेल्ट में, हिंदी डब वर्जन में कमाया था। दोस्तों इस फिल्म का एक डायलॉग है, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, तो बिल्कुल सही कहा है भाई, क्योंकि इसने बॉक्स ऑफिस पर आग ही लगा दी है। इस फिल्म में एक और डायलॉग है, झुकेगा नहीं, तो बिल्कुल ही झुक नहीं रहा है और रुक भी नहीं रहा है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर। इस पैंडेमिक के माहौल में, ये कोरोना के माहौल में भी एक सीट छोड़कर एक सीट बैठना पड़ रहा है थिएटर में, फिर भी इसका कलेक्शन रुक नहीं रहा है, तो सोचिए कि क्या जबरदस्त सक्सेस है इसकी। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म अला वैकुंठ पोरमल्लू साल 2020 में रिलीज हुई थी। ये सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म ने सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज होने के बावजूद 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। और अब दोस्तों यही फिल्म इस 26 जनवरी को हिंदी वर्जन में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी सबटाइटल के साथ अवेलेबल है, लेकिन हिंदी डब वर्जन इसका अब रिलीज होने जा रहा है इस 26 जनवरी को। पैंडेमिक के इस माहौल में जहां हमारे बॉलीवुड की और सारी बड़ी फिल्में रिलीज को टाल रहे हैं, वहीं पुष्पा की सक्सेस को देखते हुए अला वैकुंठपुरम के निर्माताओं ने ये फैसला लिया है कि इसे अभी 26 जनवरी को ही रिलीज किया जाएगा। अभी जो अल्लू अर्जुन का एक पोस्टर आया है इस फिल्म को रिलीज करने के लिए, उस पर लिखा है कि बॉक्स ऑफिस को तहस नहस करने के लिए अल्लू अर्जुन फिर से आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पुष्पा ने तो ये कर ही दिखाया है। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म के डायरेक्टर हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास, वहीं अल्लू अर्जुन की हीरोइन के रूप में पूजा हेगड़े ने काम किया है और आप इस फिल्म में तब्बू को भी एक रोल में देखेंगे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अल्लू अरविंद, जो अल्लू अर्जुन के पिता भी हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर सबटाइटल के साथ मौजूद भी है। इस फिल्म का एक गाना है बुट्टा बूमा, जिसे अरमान मलिक ने गाया है और वो दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है। दोस्तों एक बात को तो मानना पड़ेगा कि साउथ की फिल्मों की कहानियां ऐसी होती है कि अगर आपने उस फिल्म को देखना शुरू किया तो आप उसका अंत कर कर ही उठते हैं, इतनी ज्यादा कनेक्टिंग होती है। और वहां की फिल्म के हीरोज जैसे कि बाहुबली के प्रभास, KGF के यश और अल्लू अर्जुन, पुष्पा के अल्लू अर्जुन, ये सारे अब सिर्फ साउथ के हीरो नहीं रहे हैं, ये पूरी पैन इंडिया के हीरो बन चुके हैं, पूरी इंडिया के हीरो बन चुके हैं। और इसी फिल्म का एक हिंदी रीमेक भी बनाया जा रहा है, जिसे रोहित धवन डायरेक्ट करेंगे और इस फिल्म में लीड रोल करने वाले हैं कार्तिक आर्यन, और इस फिल्म को इसी साल रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अला वैकुंठ पोरमल्लू की कहानी एक बड़े घराने में पैदा हुए एक बच्चे की है, जिसे एक गरीब परिवार के बच्चे से बदल दिया जाता है, लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होता है, इसे इसकी सच्चाई का पता चलता है, तो ये अपने परिवार की हर मुसीबतों के सामने खड़ा हो जाता है। यही इस फिल्म की कहानी है। दोस्तों हम अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार के रूप में जानते हैं, क्योंकि उनकी हर एक फिल्म में स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। उनकी फिल्म DJ, सूर्या द सोल्जर, पुष्पा, इन सारी फिल्मों में उनका एक्शन भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। तो फिर तैयार हो जाइए दोस्तों 26 जनवरी के लिए, क्योंकि 26 जनवरी का दिन हमारा गणतंत्र दिवस तो है ही, इसके साथ साथ इस फिल्म की रिलीज डेट भी है, तो मजे लीजिए इस फिल्म की रिलीज के साथ। और दोस्तों आज इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है, तो आप देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका हिंदी ट्रेलर आपको कैसा लगा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।